दोस्तों 1997 में एक ट्रेजेडी हुई थी दिल्ली में। एक उपहार सिनेमा जो था वहाँ पर बॉर्डर फिल्म लगी हुई थी और शो के दौरान ही आग लग गई सिनेमा हॉल में। तो वो ट्रेजेडी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। वेब सीरीज़ का नाम है ट्रायल बाय फायर। मैं बता दूं कि भाई अगर आपको इस ट्रेजेडी के बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले आप वेब सीरीज़ देखिएगा। वेब सीरीज़ देखने के बाद आप गूगल पे जो भी सर्च करें लेकिन पहले इस वेब सीरीज़ को देखिएगा। और अगर आपको उस ट्रेजेडी के बारे में पता है फिर भी ये वेब सीरीज़ आप देखिएगा, क्योंकि ऐसा है गूगल पर आप जो भी सर्च करेंगे, मतलब कि उपहार ट्रेजेडी करके आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और सिनेमा हॉल में उस दौरान जिस तरह की मतलब आग लगी थी, आग के दौरान की फ़ोटोज़ मिल जाएगी, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले वेब सीरीज़ देखिए, फिर आप केस के बारे में जानिए तो अच्छा रहेगा। अब फैमिली के साथ देखने लायक है तो मैं बता दूं कि देखिए इस वेब सीरीज़ में कोई न्यूड सीन वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आपको गाली गलौज थोड़ी मात्रा में सुनने को मिल जाएगी। तो यह फैमिली गाइडलाइन थी, उसके बाद आगे आप सोच लीजिए, बाकी कोई न्यूड सीन नहीं है। अब स्टोरी की बात करें तो 1997 की स्टोरी है। दिल्ली में बॉर्डर फिल्म जब लगी थी तो उस दौरान उपहार सिनेमागृह में आग लग जाती है, तो वहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। तो उसी दौरान एक कपल है, तो कपल के दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों मर जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो कपल को लगता है कि भाई इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, थिएटर के ओनर जिम्मेदार है, मैनेजर जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे वजह क्या है, आग लगने के पीछे वजह क्या है। तो ये सब मतलब कि जानने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान कई सारे राज जो है वो खुलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ये अच्छी ये है कि सिनेमाघर का नाम भी वही रखा गया है और जो मालिक है उनके नाम भी वही रखे गए हैं, तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब दोस्तों स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो देखिए ऐसा है, जिन लोगों को फ्लैट स्क्रीन प्ले पसंद है ना, मतलब कि स्टोरी एक ही लाइन में चलती रहनी चाहिए, उन लोगों को शायद यह स्क्रीन प्ले थोड़ा अटपटा लग सकता है। मतलब कि अटपटा ही है, लेकिन अटपटे स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन प्ले की वजह से शायद वो इस वेब सीरीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी वेब सीरीज़। स्क्रीन प्ले दोस्तों बहुत अच्छा है। देखिए अगर आपने एक भी सीन स्किप किया तो दूसरे सीन के बाद तीसरा सीन आया, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कनेक्शन है, वो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो आपको यहाँ पर स्किप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन प्ले कई टाइम लाइन में जंप भी करता है, तो पर्सनली स्क्रीन प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक ठीक ठाक है, BGM भी अच्छा है। एक्टिंग की बात की जाए तो अभय देओल इज अ हीरो। अभय देओल यार मुझे तो पहले से ही पता है और जितनी भी फिल्मों में अभय देओल ने काम किया है आप सबने देखी है वो फिल्म, सभी में जिस तरह का भी रोल मिलता है अभय देओल को वो उसमें पूरे के पूरे ढल जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक अभय देओल सर को कोई भी बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हुई है, लेकिन एक समय आएगा जब अभय देओल को कोई बड़ी फिल्म मिलेगी, कोई बड़ी वेब सीरीज मिलेगी, तब अभय देओल का जो नाम है, जो काम है वो गूंजेगा। राजश्री देशपांडे एक माता का किरदार निभाया है। आपने नेटफ्लिक्स में वेब सीरीज देखी होगी सेक्रेट गेम, तो सेक्रेट गेम में गायतोंडे भाव थे, गायतोंडे भाव की गर्लफ्रेंड, तो राजश्री देशपांडे ने वहाँ पर जिस तरह का किरदार निभाया है उससे बिल्कुल विपरीत और एक जिम्मेदार माँ का किरदार निभाया है। राजश्री देशपांडे का काम भी बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पर आशीष विद्यार्थी भी देखने को मिलेंगे, अनुपम खेर का भी छोटा सा रोल है, रत्ना पाठक शाह का भी छोटा सा रोल है, तो बाकी के जितने भी कलाकार हैं सभी ने अपने अपने काम को काफ़ी अच्छे से किया है। दूसरी एक अच्छी बात यह है इमोशन, ये वेब सीरीज़ आपको पूरी तरह से इमोशनल कर देगी और जब लास्ट वाला एपिसोड आएगा जो ये ट्रेडेजी जिस तरह से घटती है और घटने के बाद जो आग लगने के बाद जिस तरह से दृश्य आपके सामने आएंगे, मुझे लगता है आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट की दोस्तों बात की जाए तो वैसे तो कोई बड़े नेगेटिव पॉइंट है नहीं, आप इसे बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। कोर्टरूम ड्रामा है यहाँ पर लेकिन ठीक ठाक सा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। और दूसरी नेगेटिव पॉइंट की बात यह है कि थोड़े सीन जो है इस वेब सीरीज़ में उसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर उस वो सीन नहीं होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उपहार सिनेमागृह के केस के बारे में आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली ये वेब सीरीज़ आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, और मैं तो कहूँगा आप 100% अपने जो भी काम है वो छोड़कर इस वीकेंड इस वेब सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। अब आपने देख ली है ऑलरेडी तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, वेब सीरीज़ देखने के बाद गूगल पर एक बार इस केस के बारे में सर्च ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।